हाय एवरीवन, दिस इज़ किमी। आप देख रहे हैं आपके सितारे किमी के साथ। आज है 21 जनवरी और आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 9:53 से लेकर 10:14 तक, और जो आज का राहु काल है वो रहेगा 4:31 दोपहर के लेकर शाम के 5:51 तक। तो ये था पंचांग। अब हम बात करेंगे स्पेशल सेगमेंट में नोज पार्सिंग की। जब हम नोज रिंग डालते हैं उसका क्या फ़ायदा है। हमारे इंडियन कल्चर में हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हम नोज़ रिंग पहनते हैं। इसको 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार माना जाता है। तो इसके अलावा, इसका ब्यूटी बढ़ाने के अलावा इसका क्या फ़ायदा होता है। अगर हम नोज़ को अपने नोज़ रिंग डालते हैं, जो होल करते हैं, उसके बाद हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा यूट्रस जो है, लेडीज़ का जो यूट्रस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उससे रिलेटेड इन्फेक्शंस नहीं होते। अगर हम बात करें माइग्रेन की, तो माइग्रेन भी इसको करवाने से, जब हम रोज़ रिंग पहनते हैं या नोज़ पार्सिंग करवाते हैं, इससे जो है माइग्रेन भी नहीं होता। हमने देखा होगा फीमेल के अलावा मेल जो होते हैं उन्होंने भी होल करवाया होता है, नोज़ पार्सिंग करवाई होती है, चाहे वो कुछ पहने ना पहने। बिकॉज जब वहाँ पे जो होल होता है, वहाँ पे बहुत सारी हमारी नर्व्स होती हैं जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ और हमारे ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होता है, हमारा जो ब्रेन है वो बैलेंस में काम करना शुरू करता है, तो इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ती है। तो हमें हमारे कल्चर से कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, जितना हम अपने कल्चर के साथ अटैच रहें उतनी ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे, प्लस हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, बहुत फ़ायदे होंगे हमें उनके। तो ये था स्पेशल सेगमेंट और नोज़ पार्सिंग। अब हम बात करेंगे पहली 6 राशियों की, उनका आज का राशिफल कैसा है, आज का दिन उनका कैसा निकलेगा। सबसे पहले बारी आती है रिस्की, लेट्स सी। जो मेष राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आज के दिन आपके पास काम भी बहुत आएगा। मीन्स आप आज के दिन आपका अपना टैलेंट दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो जितनी अच्छे से आप अपना वो वर्क करेंगे उतना ही आप शाइन करेंगे, प्लस उतना ही आपको फ्यूचर में आपको फ़ायदा होने वाला है। जो लोग घर से दूर हैं बहुत ही अच्छा आप शाइन करने वाले हैं आज के दिन। जिस अपॉर्चुनिटीज़ की आप वेट बहुत देर से कर रहे थे, आज के दिन आपको वो मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए भी ये दिन बेहतर है। और जो मेष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्राउन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं वृष राशि वालों का दिन कैसा है। जो टॉरियंस हैं, आज के दिन आपको बहुत अच्छी कोई विक्ट्री मिलेगी। आज के दिन आपको कोई बहुत बड़ी आपके साथ डील हो सकती है, आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जितने जो अपने ख्वाब सजाए होते हैं, मीन्स आज जो आपकी जो विशेष थी वो पूरी हो जाएंगी। मीन्स आपने बहुत मेहनत की, उस मेहनत का आपको आज के दिन फल भी मिलेगा। और इमोशनली यू विल फील वेरी स्ट्रांग, आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगी और घर पर कोई खुशी का माहौल भी रहेगा। और जो वृष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा रेड। नेक्स्ट देखते हैं जेमिनाइज का आज का दिन कैसा है। जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, लेट्स सी, आज का दिन आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही थी दिमाग में, आपके बहुत कुछ चल रहा था और काफ़ी अप्स एंड डाउन से, बट आज के दिन आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो पैसा है, चाहे हेल्थ है। मीन्स आज के दिन आप चीज़ों को, आपके लॉसेस नहीं होंगे, मींस आपको, आप उनको रहते टाइम में आप अपनी चीज़ों को संवार लेंगे, मींस उनको बेहतर कर लेंगे। तो आज का दिन जो है चीज़ों को बेटर करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़ी सी चेंजेस लेके आएंगे और अब आप अपने टारगेट की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस भी नज़र आएंगे। और जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ब्लैक। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कैंसेरियंस का आज का दिन कैसा है। जो कर्क राशि वाले लोग हैं, बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स दिमाग में रखे हुए हैं, फॉरेन से रिलेटेड बहुत कुछ आप सोच रहे हैं, तो आपको चाहिए जो आप प्लान्स बना रहे हैं फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन जाने का, तो यू शुड गो फॉर दैट, बिकॉज फॉरेन में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जितना आपने अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो जो लोग चाहते हैं कुछ जॉब चेंजेस का भी, तो इट्स अ परफेक्ट टाइम कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी और बहुत अच्छे से प्लानिंग करें, ये प्लानिंग्स आपके काम आने वाली है। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा लाइट येलो। नेक्स्ट देखते हैं आज के दिन जो लियोस हैं उनका कैसा रहेगा दिन। जो सिंह राशि वाले लोग हैं, नो डाउट आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, अच्छी पोजीशन है,
उसको बहुत वाइजली आप यूज़ करेंगे, जितना वाइजली यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी आपको सक्सेस मिलेगी, और जो आपके टारगेट्स, आप टारगेट से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो, उनको आपको वापस अपने टारगेट्स पे ध्यान रखना चाहिए। और कुछ ऐसी ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो बहुत अच्छी पावर, बहुत अच्छी पोजीशन रखते हैं, उन लोगों से मिलके अगर आप कुछ काम करेंगे तो डेफिनेट में फ़ायदा होगा। और जो लोग सिंगल हैं, आज के दिन आपकी मैरिज की बात भी हो सकती है, और आज के दिन आप कुछ नया खरीदने का भी सोचेंगे। और जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा येलो। नेक्स्ट चलिए देखते हैं वर्गोस का आज का दिन कैसा है। जो कन्या राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, कहीं घूमने का सोच रहे हैं, ट्रांसफर्स भी आपकी हो सकती हैं, चेंज ऑफ प्लेस बेसिकली आपका नज़र आ रहा है, और जो ये चेंज है बहुत ही पॉजिटिव रहेगी आपके लिए। और आपका जो लकी कलर है वो रहेगा पिंक। तो ये था पहली 6 राशियों का राशिफल। अब हम बात करेंगे जिनका बर्थडे और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा है, और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और आपके लिए एडवाइस क्या आती है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में जो दिक्कतें हैं आपके खुद के एफर्ट के कारण वो दिक्कतें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। मीन्स अब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे इस साल, और जितना अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे उतनी ही आपकी हेल्थ बेहतर होगी। और जितना आपको चाहिए थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, जितना आप घर से बाहर निकलेंगे उतना और ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। और प्रोफेशन लाइफ की बात करें, बहुत अच्छे से आपको फेयर चलना पड़ेगा। और जो लोगों को बहुत मेहनत करके भी दिक्कतें आ रही थी, मेहनत करके भी रिजल्ट्स नहीं मिले थे, उन लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो लोग विदाउट मेहनत को चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मीन्स इस साल जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा। तो जितनी आप ग्रोथ चाहते हैं, यू शुड डू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके लॉसेस हो सकते हैं, जितनी आपकी होप्स थी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स आपने बहुत ज़्यादा आपके नेग्लिजेंस के कारण, केयरलेसनेस के कारण आपके दिक्कतें आपके लिए स्टडीज़ में आने वाली हैं, एंड यू शुड बी केयरफुल। बहुत ध्यान दें अपनी स्टडीज़ की तरफ। और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम निकलेगा। और आपके लिए एडवाइस आती है कि अगर आप चाहते हैं रिलेशन अच्छा रहे, फॉर ग्रांटेड ना लें, बिकॉज जैसे ही आपने फॉर ग्रांटेड अपने रिलेशन को लिया तो थर्ड पर्सन आने के लिए तैयार है आपकी आपके आप दोनों के बीच में। तो आपको चाहिए कि फॉर ग्रांटेड इस रिलेशन को बिल्कुल भी ना लें। तो ये था जिनका बर्थडे और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। अब हम बात करेंगे कि बाकी की 6 राशियों की उनका आज का दिन कैसा है। चलिए देखते हैं तुला राशि वालों का आज दिन कैसा रहेगा। आज के दिन आपके पैसों से रिलेटेड दिक्कतें तो ख़त्म होंगी, बहुत अच्छे आपके पास ऑफर्स भी आएंगे, और कुछ आप अपने कंफर्टेबल, आज के दिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली, कंफर्ट्स आपको आज के दिन मिलेंगे। किसी पार्टी के लिए या किसी सेलिब्रेशंस के लिए आपको इनविटेशन भी आज के दिन आएगा, तो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन आप ही बनेंगे। और तुला राशि वाले जो लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा बेज। नेक्स्ट चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। जो स्कॉर्पियंस हैं, आज के दिन आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिली है, बहुत ज़्यादा आप में आज दिन दिन करेज होगा, एनर्जी होगी, कुछ करके दिखाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, और आज के दिन उसके लिए हर एफर्ट पूरा करेंगे। मीन्स आप अपनी पोजीशन जो आपके पास है उसको और ऊपर और हाई लेके जाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप मेहनत करने को तैयार हैं, और वो मेहनत आपके लिए आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे पॉजिटिव देने वाली है। और जिन लोगों के घर पर स्मॉल किड्स हैं, लाइक अंडर 12 हैं, उनको चाहिए उनकी स्टडीज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, बिकॉज उनकी नेग्लिजेंस के कारण उनके बच्चों की स्टडीज़ जो है वो सफ़र हो रही है। हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी, और जो आपके घर पे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा व्हाइट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सजिटेरियंस का आज का दिन कैसा है। जो धनु राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपको बहुत मुश्किल परेशानियों से निकलने के लिए कोई रास्ता मिलेगा, कोई एडवाइस मिलेगी, अचानक ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपकी हेल्प करेगा, और वो हेल्प आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, जो रुकी हुई ज़िंदगी थी अब वो फिर से चलने लग पड़ेगी। और जो धनुराशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा बेज। नेक्स्ट चलिए देखते हैं मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा है। जो कैप्रिकॉर्न्स हैं, आज के दिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, रिजल्ट्स थोड़े कम है, और आज के दिन आप थोड़ा सा लेथार्जिक भी फील कर सकते हैं, बट आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी निभानी चाहिए। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर नहीं आज के दिन डालना, अपने काम खुद करने हैं, किसी के भरोसे पर ना रहें, और स्पेकुलेशन से थोड़ा सा आप दूर रहें।
और जो मकर राशि वाले लोग हैं, आपको चाहिए थोड़ा सा अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, चीज़ें आपकी इधर उधर हो सकती हैं, और आपका लकी कलर रहेगा येलो। नेक्स्ट देखते हैं एक्वेरियंस का आज का दिन कैसा है। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहेंगे इमोशनली, आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे आज के दिन। आप बहुत जल्दी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना चाहते हैं सक्सेस की तरफ, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी पेशेंस रखें। जितनी पेशेंस रखेंगे उतना ही आपका जो माइंड है वो काम रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी बिना वजह, नहीं तो आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं चीज़ों को ओवर थिंक करके। और आपका जो लकी कलर है दैट वुड बी पर्पल। लास्ट पे चलिए देखते हैं पाइसेंस का दिन कैसा है आज का। जो मीन राशि वाले लोग हैं, आज के दिन बहुत अच्छे से छुट्टी मनाएंगे, रिलैक्स करेंगे आप, और कुछ भी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे। दिमाग में आपके बहुत कुछ है बट आप उन चीज़ों को सोचेंगे ही नहीं। बेहतर है आप किसी की आप आज के दिन लोगों से मिले बट आज के दिन कोई बड़े डिसीजंस ना ले, बिकॉज बड़े डिसीजंस लेने के आज आप फॉर्म में ही नहीं हैं। तो आपको चाहिए जितनी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है आज के दिन ना करें, बिकॉज वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके कारण कोई गड़बड़ हो सकती है। और जो मीन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ऑरेंज। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। कल का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहे आपके सितारे किमी के साथ। थैंक यू।